हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय इको फ्रेंड यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। ये सबसे अच्छा समय होता है प्लांट में फर्टिलाइज़र अप्लाई करने का, क्योंकि मौसम भी ठंड रहती है। इसे कहते हैं काउडंक। आप इसे देहात से यानी कि रूरल इलाके से पा सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिल जाते हैं। तो ये सबसे अच्छे जैविक खाद होते हैं। इसमें कई तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे इस जैविक खाद के साथ रासायनिक खादों का मिश्रण तैयार करके अपने प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जैविक खादों का उपयोग करें अपने प्लांट में, क्योंकि जैविक खाद का उपयोग करने से आपके प्लांट की जो मिट्टी होती है यानी कि सॉइल, वो अधिक उपजाऊ होती है और उसमें दो तरह की न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो जाती है। रासायनिक खादों के उपयोग से हमारे मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण हमारे पौधे मर जाते हैं। और जबकि जैविक खादों के उपयोग से हमें दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, वो भी लंबे सालों तक, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों तरह के। इसलिए अधिक से अधिक हमें जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। ये शरीर के लिए भी फायदेमंद है और पौधे के लिए भी। आइए जानते हैं रासायनिक और जैविक खादों का उपयोग करके अपने पौधे में ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये हमारे टेराकोटा के मटके हैं, इसमें पहले से काउडंग के कुछ टुकड़े मिले हुए हैं और थोड़े से हम जैविक खाद और रासायनिक खाद के मिश्रण तैयार कर रहे हैं। इन्हें 15 दिन या 10 दिन के लिए फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के लिए छोड़ दें। ठंडे के दिन में ये लंबी अवधि होती है। जैसा कि आप जानते हैं, ये यूरिया है और यूरिया के NPK रेशियो होते हैं 46:0:0:0 और काउडंग के NPK रेशियो जो होते हैं कुछ इस प्रकार। काउडंग इज हाई इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इट कंटेन्स अबाउट 3% नाइट्रोजन, 2% फॉस्फोरस एंड 1% पोटेशियम। इसके शॉर्ट शब्द में हम कहते हैं NPK 3:2:1। जो खाद जीवों के शरीर से बनी होती है उसे जैविक खाद कहते हैं, जैसे पत्ते, गोबर वो अन्य कूड़े कचरे। जैविक खाद का अधिक उपयोग किया जा सकता है इसके निश्चित क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, इससे अधिक। यहाँ 3 मुख्य पोषक तत्व दिए गए हैं जो प्लांट्स के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। पोषक तत्व दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पौधे को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एक बड़ी मात्रा में जरूरत होती है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं और इसे बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आने वाले जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनके नाम इस प्रकार है, कॉपर, मैग्नीज, बैरॉन, क्लोराइड इत्यादि। 15 दिन के बाद जब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, जबकि हमारे मिश्रण अब तैयार हो चुके हैं, तो हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इस मिश्रण के ऊपर में थोड़े से पानी मिला देते हैं ताकि हमारा क्वांटिटी बढ़ जाए। दोस्तों, एक बात का केयर करना, ये मिश्रण केवल विंटर सीजन के लिए है और रेनिंग सीजन के लिए है। इसे गर्मियों में अप्लाई मत करना, क्योंकि गर्मियों में तापमान पहले से अधिक होते हैं और जबकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होते हैं और काउडंग में पहले से 3% नाइट्रोजन है, तो इन दोनों मिश्रण को मिला के इसमें नाइट्रोजन की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए ये आपके पौधे को जला सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस मिश्रण का उपयोग विंटर और रेनी सीजन में कीजिएगा। मेरे मोगरे के प्लांट बड़े हैं, हेल्दी हैं और साथ में इसकी उम्र भी अधिक है, इसीलिए मैं इसमें छोटे से कप से इसमें डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में मैं डाल रहा हूँ, उसी तरह आप भी अप्लाई करना। अब मैं इसी मिश्रण को ना अपने रोज़ प्लांट में अप्लाई करूँगा, और जबकि मेरे रोज़ प्लांट अभी फ्लावरिंग दे रहे हैं, फ्लावरिंग पीरियड में है, तो इसीलिए मैं इसमें अप्लाई करता हूँ ताकि इसकी ग्रोथ भी अच्छा रहे और फ्लावरिंग प्रक्रिया इसकी चलती रहे। दोस्तों, एक बात का केयर करना, इस मिश्रण को ना गर्मियों में उपयोग मत करना, क्योंकि गर्मियों में पहले से तापमान बढ़ी रहती है और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र पौधे को मार सकती है।
दोस्तों अब मैं इस मिश्रण का उपयोग अपने हिबिस्कस के प्लांट में करूंगा। मेरे हिबिस्कस के प्लांट अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं और साथ में हेल्दी भी है और उसकी एज भी अधिक है, इस कारण इस मिश्रण का अधिक उपयोग करूंगा। आप ध्यान से देख लो इस पॉट में कितना है, उस हिसाब से आप भी इसको अपने घर में अप्लाई करना। आप देख सकते हैं ये कितना हरा भरा है और साथ में स्ट्रॉन्ग भी लग रही है। मैं इसके सॉइल में इसे डाल रहा हूँ और इसे ध्यान से देखें कि मैं कैसे डाल रहा हूँ, उस तरह भी घर में प्रक्रिया को दोहराना। दोस्तों मैं हमेशा ही इस तरह का मिश्रण अपने प्लांट्स में उपयोग करता हूँ, लेकिन ये केवल विंटर और रेनी सीजन में होता है। मैं गर्मियों में इस तरह के फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र है जो मेरे प्लांट्स को मार सकते हैं। गर्मियों में जैविक खादों का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि जैविक खाद उतने हानिकारक नहीं होते हैं, क्योंकि अब नेचुरल द्वारा बनाए जाते हैं, प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं प्रक्रिया से, इसलिए हानिकारक नहीं होते। तो आप गर्मियों में जैविक खादों का उपयोग कर सकते हैं जितनी मात्रा में आपको अच्छा लगे। हाफ कप इस मिश्रण का उपयोग मैं इस इंग्लिश रोज में करूँगा। आप देख सकते हैं इसका ग्रोथ रुक गया है क्योंकि प्रीवियस मंथ में बहुत तेज़ गर्मी पड़ी हुई थी जिस कारण इंग्लिश रोज अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये ठंडे क्लाइमेट के रोज़ है तो इन्हें अधिक गर्मियाँ बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती है। जबकि ये ग्राफ्टिंग रोज़ है क्योंकि इसके नीचे वाले जो तने होते हैं ना वो देसी रोज का है, ऊपर वाला इंग्लिश रोज का, लेकिन फिर भी इसे अधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं होती जिस कारण इसका ग्रोथ रुक चुका है। तो अब देखिए ठंड आने वाली है और बरसात, ये दो मौसम है, तो बरसात में ही मैं इसे फर्टिलाइज़र डाल दे रहा हूँ जिससे क्या होगा ठंड में बहुत तेज़ ग्रोथ करेगी और हमको फ्लावरिंग देंगी। तो इसमें याद रखिए जब भी आप इसमें फर्टिलाइज़र डालें अप्लाई कीजिए, चाहे केमिकल या फिर जैविक कुछ किसी भी प्रकार के, तो आप इसकी मिट्टी को ना गुनाई कर दें क्योंकि इससे इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह चालू हो जाता है। अब मिट्टियों के अंदर ऑक्सीजन चले जाते हैं और फिर उसके ऊपर ना आप फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को ध्यान से देखें और सीखें और अपने गार्डनिंग में यूज करें। बरसात के सीज़न में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम अपने प्लांट के जो पॉट होते हैं ना उसके अंदर का जो छेद होता है उन पे ना ध्यान देना, क्योंकि वो कई बार बंद हो जाते हैं जिस कारण ना हमारे जो ऊपर के पानी है ना नीचे से निकल नहीं पाते और पानी सड़ जाते हैं, जिस कारण मिट्टी में भी ना कई तरह के ना कवक या फिर फंगस लग जाते हैं और हमारे पौधे को मार देते हैं। इसीलिए बरसात के सीज़न में हमेशा अपने पॉट के छेद पर ध्यान दें और उनके ड्रेनिंग हॉल में जो पानी निकलने की प्रक्रिया होती है उसको हमेशा साफ रखें ताकि वो पानी आराम से निकल जाए। ये मेरे इंग्लिश रोज देखिए, इसमें बल्ब्स भी है फ्लावरिंग प्रक्रिया में। ये दोस्तों मेरे इस छोटे से प्रयास से आपको कई तरह के नॉलेज प्राप्त हुए हो तो कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।